हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी क्यूरियस पर स्वागत है। देखा दोस्तों, हम लोग जो है क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आप लोगों को जो है कल समझाया था, जो उन्हीं सब चीज़ों पे आज आगे हम एग्जांपल करेंगे जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक, देखिए, आपका पहला जो उदाहरण है वो दे रहा है कि 10/3 को जो है क्या करना है, दशमलव रूप में प्रसार करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत इजीली आती होंगी, बचपन से ही ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे। इसमें करना क्या है, 10 में आप 3 से भाग देंगे, ऐसे ही भाग देते हुए आते होंगे आप लोग बचपन से ही। देखिए कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पर फिर माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ा के फिर यहाँ 0 उतार लेंगे, और फिर यहाँ पर भी दशमलव लग जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, 3 बार फिर जाएगा, फिर 9, और फिर माइनस करेंगे यहाँ पर, फिर कितना आ जाएगा आपका, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लेंगे, फिर 3 बार जाएगा, और ये ऐसे बार बार जाएगा। कितनी बार, ऐसे 3 3 3 3 अनंत बार चला जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, फिर इसका भागफल कितना आ जाएगा आपका, 3/3 बार, यही हमारा जो है इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों का और भी दिया है, 7/8 और 1/7 का भी आप लोग दशमलव प्रसार करिएगा। ठीक, तो हम लोग जो है कल जो है आपका उदाहरण नंबर जो 2 दिया है उसको कल ही करवा दिए थे। अब अगला हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 3। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखिएगा। देखिएगा आपका उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, दिखाइए कि 1/2727 ऐसे ये करते हुए अनंत तक जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 2.1/27 के ऊपर बार, मतलब जिन संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होता है, जिनका आवर्त होता है उस पर क्या लग जाता है, बार। जैसे यहाँ पर 2 7 का देखिएगा, एक 2 और 7 का पेयर बन रहा है, और इनका जो है बार बार जो है यही दोनों संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.27 के ऊपर बार, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जा सकता है। आप लोगों को पहले भी ये मैं बता रखा था। अब क्या कह रहा है कि इसी को आप P/Q रूप में व्यक्त कीजिए, और मैंने P/Q रूप में व्यक्त, P/Q क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा था, क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, मतलब एक भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। और देखिए किया जा सकता है, क्या कह रहा है, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। मैंने बता रखा था आप लोगों को परिमेय संख्याओं में जो है P और Q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक में आपका जो है 0 भी आ जाएगा, इस वजह से यहाँ स्पेशली जो है डिनोट कर दिया जाता है आपका कि Q नॉट इक्वल 0, मतलब हम लोग ये दोनों पूर्णांक तो हैं लेकिन Q के स्थान पर 0 नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर इस तरह से क्यों डिनोट किया गया, क्यों, क्योंकि लिख दिया है पूर्णांक और 0 भी एक पूर्णांक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर 0 लिख देते, लेकिन 0 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि 0 लिख देने के बाद ये क्या हो जाता है आपका, अनंत हो जाता है, इन्फिनिटिव। ठीक, तो चलिए देखिएगा, हमारा मेन फोकस इस क्वेश्चन पे होना चाहिए कि इसको हम जो है एक भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा, हम मान लेते हैं ये जो लिखा गया है, हम इसको मान लेते हैं x बराबर, क्या मानेंगे, x बराबर 1.27727। हमारा पहला काम क्या होगा, हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी संख्याओं का जो है बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि 2 संख्याएं हैं ऐसी हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं, 2 है और 7 है। तो अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, हम इसको मान सकते हैं कि चलिए हमारा हो गया समीकरण 1, क्या हो गया, समीकरण 1। अब हम मान लेंगे, देखिए 2 संख्याओं का बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे कि अगर 1 संख्या का रिपीट होता तो हम 10 से करते, 3 संख्या को होता तो हम 1000 से गुणा करते, अगर 2 संख्याओं का रिपीट हो रहा है बार बार तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो हम इसमें अगर 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100x, और ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा जो है 0.2 अंक यहाँ चला जाएगा, दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 127.2727, ऐसे करते हुए आगे चला जाएगा अनंत तक, जैसे ये था अनंत तक। ठीक, अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये समीकरण हमारा 2 हो गया, क्या हो गया, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे,
समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाएंगे। अब देखिए कि अगर इसमें से हम जो है समीकरण दो में से अगर समीकरण एक को अगर हम घटाएं तो कैसे घटाएंगे, 100x है, 100x माइनस x कर देंगे और बराबर, और इस बराबर की इधर वाली चीज़ें इसमें से घट जाएंगी। देखिए इसमें से जो है ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 127.27272727 ऐसे है। अब इसी में से हमें क्या घटाना है, यही घटाना है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे माइनस, इसको एक कोष्टक में कर दीजिए ताकि आपको स्पष्ट लगे। इसे हो जाएगा 1.27272727 ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 127 में से अगर एक जाए तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पर 126। अब दशमलव के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 27272727 है, यहाँ पर भी 27272727, ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है, तो हमारे इसके इधर क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद जीरो आ जाएगा। तो दशमलव के बाद जीरो आ गया तो हमें लिखने से कोई वो है नहीं कि हम लिखें, इसको नहीं लिखा जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर 100x में से अगर एक x चला जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 99x, 99x। अब यहाँ पर x और 99 के बीच में गुणा का निशान छिपा होता है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 126/99। अब हम देखेंगे कि अगर ये कट रहा है अगर आगे, तो अभी इसको काटेंगे, ठीक, जब तक कटेगा काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए इसको हम काट सकते हैं, ये तीन से कटेगा, तीन से कटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 42 और नीचे फिर कितना आ जाएगा 33। हम देख रहे हैं कि ये अभी भी तीन से कट रहा है, तीन से अभी भी कट रहा है, तो हम तीन से अभी भी काट देंगे इसको, तीन से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3, 3 × 4 = 12, नीचे कितना आ जाएगा 11। हमारा इसका आंसर क्या हो गया 14/11, पी बाई क्यू के रूप में हमारा व्यक्त हो गया 14/11। बात समझ में, x बराबर हमने यही मान रखा था 1.272727, मतलब कि ये भी बराबर किसके हो गया 1.272727, इसके ये बराबर हो गया। बात क्लियर हुई, तो चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर 4। ठीक, देखिएगा उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि 33.333 एक परिमेय संख्या है, आपको यह सिद्ध करना है। देखिएगा जो लोग इस टाइम अगर इन क्वेश्चनों को हल्के में ले रहे होंगे उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपके जो भैया भाभी भाई बड़े बहन जो लोग तैयारी करते होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, जो लोग लेखपाल में बैठे होंगे ये सारे क्वेश्चन लेखपाल में भी आ चुके हैं, लेखपाल में भी इसका एक क्वेश्चन आया था। और ये सारी चीज़ें जो है जो लोग इस टाइम मेहनत नहीं किए होते ना वही आके बाहर फिर तैयारी करते हैं, तो आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करिए, ठीक, आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें आप लोगों के काम में आएगी। देखिएगा इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है, हमारा पहले क्या काम होगा, जो ये दिया रहता है उसको हम मानते हैं x बराबर, क्या हो गया हमारा x बराबर 33.333, ये ऐसे अनंत तक है। अब हमने क्या कहा था कि जिन संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है, कितने संख्या की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, एक संख्या की हो रही है ना, सिर्फ तीन की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब तीन ही बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे और हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर एक है। क्या है समीकरण नंबर एक, अगर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्ष में 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि किसी एक तरफ 10 से गुणा करने के बाद ये इक्वल नहीं रह जाएगा, इस वजह से हम जो भी काम करेंगे वो दोनों तरफ किया जाता है, तो 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये 10x बराबर, अब जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है हमारा, दशमलव है, एक अंक कहाँ चला जाएगा दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 333.333 ऐसे अनंत। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कभी कभी ये आता होगा, सर यहाँ पर भी आप 4 × 3 लिखे थे, यहाँ पर भी लिख दिए, अरे भाई मैं ये अनंत बार ये गया है ना, ऐसे चलते चलते बहुत ज़्यादा गया है, आपको पता नहीं। जैसे मैं अगर कहूँ कि एक समुद्र है, समुद्र में से आप 2-4 बूंद अगर निकाल लोगे पानी तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक अनंत है, ठीक, मतलब उसमें इतना पानी है कि थोड़ा से इधर उधर करने से नहीं पता चलेगा। उसी तरह से दशमलव के बाद तीन तीन इतना ज़्यादा है कि एकाध तीन इधर अगर इधर उधर हो जाएगा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ रही है मेरी, तो उतना लेके चलते हैं।
देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये हम मान लेते हैं कि हमारा समीकरण नंबर दो हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाएंगे। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 10x माइनस एक्स करेंगे, अब बराबर के बाद वाली जो संख्या है उसको घटाएंगे। 333.33 में से हम क्या घटाएंगे, 33 घटाएंगे, 33.33। देखिएगा 333.333 ऐसे करके लिख दीजिए, ये ऐसे यहाँ पर निशान लगा दिया करिए ताकि पता चले कि हाँ आगे भेज के था। ठीक, ऐसे करते हुए अब यहाँ पर माइनस माइनस कर देंगे आप 33.333 ऐसे करते हैं सोन। अब देखिएगा 333 में से अगर आप 33 घटाएंगे तो आपका कितना यहाँ पर बच जाएगा, 300। अब देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ पर जो है दशमलव के बाद वो हाँ इधर भी वही है तो घट के जीरो आ जाएगा, तो दशमलव के बाद जीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके इधर हमारा कितना आ गया 9x, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 30 बट सॉरी ये 300 बचा है आपका, 300/9। अब इसे काट भी सकते हैं और काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100/3, यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर 100/3 के रूप में आ गया तो अब आप इसे क्या कह सकते हैं, एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है ना, तो हमारी ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा आपका उदाहरण नंबर 5 जो दिया है, कह रहा है कि दिखाइए कि 3.14267 8 एक परिमेय संख्या है। मतलब हमें कह रहा है कि इसको आप दिखाइए कि यह जो है संख्या दी हुई है यह एक परिमेय संख्या है। इसी चीज़ को यह दूसरे शब्द में आपसे क्वेश्चन कर रहा है। मतलब क्वेश्चन पूछने कई तरीके होते हैं, एक ही चीज़ को घुमा फिरा के कई तरीके से बोला जा सकता है ना, वही अब दूसरे तरीके से क्या बोल रहा है, दूसरे शब्दों में ये कह रहा है कि 3.14267 8 को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू नॉट इक्वल जीरो है। ठीक, यहाँ पर भी इसके पूछने का मतलब यही है कि यह एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पी वाई क्यू के रूप में क्या होती है, परिमेय संख्या ही तो होती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हमें यह देखना है कि यह क्या है, रियल में एक परिमेय संख्या है। तो पहले ये देखिए क्या यह एक शांत दशमलव भिन्न है, यह एक शांत दशमलव भिन्न है या फिर अशांत दशमलव भिन्न है। तो हमने आपको तो ये पिछली कक्षाओं में ही बता चुका है कि क्या है, अगर दशमलव के बाद ये जो संख्याएं आ रही हैं बार बार ऐसे आती हुई जाएं तो क्या होती हैं हमारी, अशांत होती हैं। लेकिन ये जो है दशमलव के बाद हम देख रहे हैं कि 6 अंक तक ही गई है, दशमलव के बाद 6 ही डिजिट लिखे गए हैं, 6 ही अंक लिखे गए हैं, मतलब कि यह एक शांत दशमलव भिन्न है। तो शांत दशमलव भिन्न को जब हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसके लिए बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान है। देखिएगा कैसे हम करते हैं, 3.14267 8 लिखा हुआ है तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद जो है इसमें कितनी संख्याएं हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 इतनी है। तो हम इसको जो है बटे के रूप में 1 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे, और किससे गुणा करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो कि 1 के बाद 6 ही जीरो हो। कितने जीरो हों, 6 जीरो हों। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, इस वजह से यहाँ पर भी 6 जीरो वाली संख्या से गुणा किया जा रहा है। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद 2 ही रहता, जैसे कि 1 और 4 सिर्फ रहता, तो हम किससे गुणा करते, 100 से गुणा करते। अगर दशमलव के बाद सिर्फ 1 रहता तो हम किससे गुणा करते, 10 से गुणा करते। अब ऊपर जब हम इतने से गुणा किए हैं तो नीचे भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप ऊपर की संख्या से गुणा कर रहे हैं और नीचे भी अगर उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि ऊपर गुणा कर दें और नीचे ना करें तो मान में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर आप चाहें ऊपर गुणा ना करके नीचे सिर्फ गुणा करें तो भी मान में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो देखिएगा
अब हम इसको अगर गुणा जब करेंगे तो गुणा करना आप लोग ये चीज़ें तो बचपन में ही सीख लिए होंगे कि अगर जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2.5 है गुणा 10 करिए तो आप लोग ये चीज़ें बचपन में सीखे होंगे कि बचपन में ही सीख लिए होंगे कि इसमें अब जीरो लग जाएगा और 0.1 स्थान पर था तो एक स्थान पर 0 लग जाएगा और 0 के बाद 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये क्या लिखेंगे 25। उसी तरह से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इसके बाद 6 0 लगेगा, लेकिन गुणा करने के बाद हम देखेंगे कि 0 जो है 6 स्थान पे था, तो हम 6 स्थान पे जब 0 लगाएंगे तो हमारा 0 लगाएंगे 6 स्थान पे तो हमारा सारा 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 1 4 2 6 7 8, अब इसमें कितना 0 है, 6 0 है, हम 6 0 भी लिख लेते हैं, ठीक, कितने हो गए 6 0 हो गए। चलिए अब नीचे जो है हम गुणा करेंगे जब 1 में तो हमारा यही प्राप्त हो जाएगा होगा। अब देखेंगे कि हमारा 0.5 कितने स्थान पे था, 6 स्थान पे, तो हम इधर से गिनेंगे कि छठा स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, मैंने 1 0 ज़्यादा लिख दिया था, ठीक, 0 कम कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब हमारा 0.5 कहाँ लग गया, यहाँ पर। अब 0.5 के बाद बताइए 0 का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को ये बचपन से पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2 6 7 8 बटे 1 और फिर 6 0। अब देखेंगे हम कि हमारा कट रहा है, अगर हमारा ये कट रहा है तो हम इसको काटेंगे, ठीक, अगर नहीं कट रहा है तो यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग अब इतना जानते होंगे। आप लोग देखिएगा ये भी यहाँ पर सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है, मतलब 2 से तो श्योर है कि 2 से कटेगा ही, ठीक, 2 से काटिएगा, और भी बड़ी संख्या से देखिएगा किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बात समझ में आ रही है, तो आप लोग इसको अब आगे और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए फिर हम अब कल मिलते हैं, कल आपके और भी जो आगे एग्जाम्पल बचे हैं उसको भी हम आपको इसी तरह से डिटेल समझाएंगे और फिर आपके जो है प्रश्नावलियाँ हैं उसके भी सारे क्वेश्चन करवाएंगे। हम इतना विस्तारपूर्वक क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमसे YouTube पे जुड़े हैं, ये कि एक लोग जैसे कि किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, और आप सभी लोग मुझसे क्लास में तो है नहीं कि एक साथ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो नंबर देता हूँ उस पर जो है व्हाट्सएप कर देंगे तो उसका आंसर भी मैं ज़रूर दूंगा, बात क्लियर है, ठीक। और मैं सारा लेके इस वजह से चलता हूँ ताकि आप लोगों को कम से कम क्वेश्चन करना पड़े, ऐसे ही ज़्यादातर आप लोगों को समझ में आ जाया करे, ठीक। तो चलिए हम फिर कल मिलते हैं, जय हिंद।